Hey folks, welcome back to the channel Jobs for Sure Official. So guys, उम्मीद है आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे, काफ़ी उससे सीख रहे होगे। वो वीडियोस आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल हैं। आपको पता है हम लोग जीके पोर्शन में स्टैटिक के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जैसे हिस्ट्री में हम लोगों ने वेरियस कांग्रेस सेशंस डिस्कस किए, महात्मा गांधी का एक लाइफ स्पैन डिस्कस किया कि उनकी फ्रीडम स्ट्रगल में क्या उनकी रिलेवेंस थी उसके बारे में डिस्कस किया, ज्योग्राफी के हमने 3 वीडियोज़ अपलोड किए, डेली बेसिस पे इंग्लिश में वोकैबुलरी और idiom phrases अपलोड हो रहे हैं। तो गाइज वो वीडियोस आपके काफ़ी काम के हैं, आप उन वीडियोस को देखो और उन वीडियोस के ऊपर आपकी कोई क्वेरी है या कोई और टॉपिक पे आप हमसे वीडियोस चाहते हो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट थिंग टू यू। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। अभी CPO का एग्जाम कंक्लूड हुआ है, आपको पता होगा, आपको फीडबैक वाला अगर आपने वीडियो देखा तो वहाँ से पता चला होगा कि वेरियस डांस फॉर्म्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे इस बार, साइंटिफिक नेम्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो वेरियस डांस फॉर्म का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था, अभी साइंटिफिक नेम्स का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आज हम लोग साइंटिफिक नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइंटिफिक नेम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें साइंटिफिक नेम की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो आपका बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, बहुत सीधी सी बात है कि आप अपने घर में एक मीन्स कैट को बिल्ली बुलाते हो, तो कैट इंग्लिश का वर्ड है, बिल्ली हिंदी का वर्ड है, इस तरह से आपकी एक रीजनल लैंग्वेज होगी, आप उस पर्टिकुलर एनिमल को किसी दूसरे नाम से बुलाते होगे। कुछ डिस्टेंस के बाद उस चीज़ का नाम बदल जाता है, जैसे आप UP में उस चीज़ को कुछ और नाम से बुला रहे हो, बिहार में किसी और नाम से, कर्नाटका में और तमिलनाडु में कोई और, इवन आप वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस से भी उस पर्टिकुलर एनिमल को बुलाते हो। तो जब आप वर्ल्ड लेवल पे चीज़ों को डिस्कस करते हो या उस चीज़ को कंसीडर करोगे तो वहाँ पे मिलियंस में नाम पहुँच जाएंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही चीज़ के मिलियंस नाम याद रख करके रखो, दसियों लाख नाम आप याद नहीं कर सकते हो। वहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी कि एक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो नॉमेनक्लेचर था इसको हम लोग बुलाते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 नेम्स का यूज़ हुआ है। बायनोमियल एक थ्योरम भी होती है मैथमेटिक्स में जिसको हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं, तो द्विपद यानी कि 2 पद, तो जब 2 नेम्स इन्वॉल्व हैं तो उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसके जो फादर हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन आता है SSC CGL में, क्वेश्चन आया हुआ है, CHSL में भी आते रहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप पेन और पेपर लेके बैठा करिए। इस वीडियो की PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो कैरोलस लीनियस इज़ द फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम कंपोज्ड ऑफ 2 नेम्स। तो 2 नेम्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज। हम लोग कैट की बात कर रहे थे तो कैट में 2 नेम होते हैं, फेलस डोमेस्टिकस, करेक्ट। तो ये जो फेलस है, पेन चेंज कर देता हूँ, फेलस जो है ये उसका जीनस है, फेलस इज जीनस, और जो डोमेस्टिकस है वो उसकी स्पीसीज है। तो जीनस और स्पीसीज के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में। तो पहली बात तो ये कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, जो भी यहाँ पे हम लोग नाम उठा रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट छांटना आप बंद कर दीजिए। जितना भी आपको बताया जा रहा है आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ओनियन वेजिटेबल में आता है और इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। इसी तरीके से पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलैनम ट्यूबरसम। कुकम्बर का साइंटिफिक नेम है क्यूक्यूमिस सेटाइवाज। यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है साइंटिफिक नेम्स के साथ, जो पहला जो हम लोगों ने अभी बात आपको बताया था कि 2 नाम से मिलकर के बना होता है, पहला नाम क्या होता है उसका जीनस और दूसरा नाम होता है उसका स्पीसीज। तो जीनस वाला फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट कैपिटल्स में बनता है, आप एलियम सेपा देख रहे हो तो ए कैपिटल में बना हुआ है, आगे का जो नाम है वो स्मॉल लेटर्स में यूज़ होता है। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं, आप दिमाग में रखिएगा। अगर आप हालांकि ये जो है जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा क्यों है तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो इसलिए ओनियन का नाम एलियम सेपा है, पोटैटो का सोलैनम ट्यूबरसम है, कुकम्बर का क्यूक्यूमिस सेटाइवाज, लेट्यूस से एक तरह की सब्जी होती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आई एम सॉरी मुझे नहीं पता है, लैक्ट्यूका सेटाइवा, आप देख रहे हो सेटाइवा। अभी हम लोग पी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नाम होगा पाइजम सेटाइवम। तो अब ध्यान दीजिएगा ये नेम्स के बारे में। और कैरेट डॉकस कैरोटा, तो कैरेट और कैरोटा आप थोड़ा सा मिला करके रिलेट करके भी आप अगर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे आप टिक कर लोगे, ज़्यादातर इतना मुझे भरोसा है। कुछ के नाम डिफरेंट हैं, कुछ के बिल्कुल सिमिलर्स हैं, तो आप उनको टिक कर ले जाओगे।
कैरेट का है डॉकस कैरोटा, कैरेट से रिलेटेड है कैरोटा। टोमेटो का है लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम, तो लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो। तो काफ़ी थोड़े से हेक्टिक से नेम्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा। और ब्रिंजल का देखिए आप, सोलैनम मेलोंगेना, तो मेलोंगेना और ब्रिंजल, थोड़ा सा आप मतलब आप एक राइमिंग करके भी अगर याद करोगे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप इस चीज़ को 10 बार भी प्रोनाउंस करोगे अपने मन में, एक तरह से रटोगे चीज़ों को, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हो, आपको याद करना पड़ेगा, यही इसका शॉर्टकट है। रेडिश का आप देखो, रेफेनस सेटाइवस, सेटाइवस सेटाइवा और सेटाइवस, तो रेफेनस रेडिश का आरे आरे आपको सिमिलर मिल गया है, तो रेफेनस सेटाइवस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेडिश। कैप्सिकम का पूछा जाता है, आप देखिए कैप्सिकम फ्रूट सेंस, बहुत ही इजी है, आपने एक बार देखा, आपको जब भी ऑप्शन मिलेगा आप इस पर टिक करके आ जाओगे। कैप्सिकम का साइंटिफिक नेम है कैप्सिकम फ्रूट सेंस। स्पिनच का साइंटिफिक नेम है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, तो स्पिनच का स्पाइनेशिया से आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। प्रोनंसिएशन में हो सकता है आप सही से प्रोनाउंस ना कर पाओ, या मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन प्रोनंसिएशन मैटर नहीं करता है जब आप रिटन एग्जाम दे रहे हो, जब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हो, तो चीज़ें आपको आनी चाहिए, प्रोनंसिएशन आप बाद में भी सीख सकते हो। कैबेज का पूछा जाता है ब्रैसिका ओलेरेसिया, देखिए स्पैसिया में भी ओलेरेसिया था, स्पिनच में भी ओलेरेसिया था और कैबेज में भी ओलेरेसिया है। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, आपने बचपन में पढ़ाई करी होगी, 9th 10th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैंगो का तो आपको पता ही होगा। तो मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका, एप्पल का होता है पायरस मैल्यूस, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। वाटरमेलन का देखो साइट्रुलस वुलगैरिस, तो साइट्रस का ये तरीके से साइट्रस से आप याद रख सकते हो। लेमन का देखो साइट्रस लिमोनियम, तो लिमोनियम लेमन आप देख सकते हो, साइट्रस लगा हुआ है तो मतलब कुछ खट्टी चीज़ें, साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी वाले, तो वही लेमन के साथ है, वही वाटरमेलन के साथ है। साइट्रुलस वुलगैरिस, साइट्रस ऑरेंटियम मतलब ऑरेंज, ऑरेंज को ऑरेंटियम लिखा हुआ है। बनाना मूसा पैराडिसिकम, आपको ये रटा होना चाहिए, बनाना आपको याद होना चाहिए, आपको मैंगो याद होना चाहिए, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे। गुआवा का देखो साइडियम गुआवा, पी साइलेंट रहता है, साइडियम गुआवा, गुआवा का गुआवा ही है, टिक करके आओगे। पाइनएप्पल का एनानस सेटाइवस, तो एनानस सेटाइवस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पाइनएप्पल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब डिस्कस करेंगे सीरियल्स, पल्सेस और मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब दाले ही होता है, पल्सेस दाले, सीरियल मतलब अनाज। आप देखोगे मेज मतलब बाजरा, शायद बारले का मींस बाजरा होता है, मेज का मींस मक्का, हाँ मेज का मींस होता है मक्का, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन है बट मैं सही कर रहा हूँ, मेज का मतलब मक्का होता है। तो मक्के का साइंटिफिक नेम है जी माइज, जेड ई ए एम ए वाई एस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैज, मेज मींस मक्का, जी माइज। राइस का देखिए आप, ओराइजा सेटाइवा या ओराइजा ग्लैबिरेमिया, आपको पता है राइस की कोई एक प्रजाति नहीं होती, चावल की कई सारी प्रजाति होती, तो स्टैंडर्ड एक सेट करके रखा गया है, उसी से उस चीज़ को याद करते हैं। तो यहाँ पे दो नाम स्टैंडर्ड रखे गए हैं, एक है ओराइजा ग्लैबेरिमा और एक है ओराइजा सेटाइवा। तो सेटाइवा और ग्लैबेरिमा में डिफरेंस है बट ओराइजा इज द सेम, तो आप ओराइजा से याद कर सकते हो राइस को। वीट के बारे में आप देखो, वीट आपको याद होना चाहिए, वीट पूछा जाता है। ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। सॉर्गुम वुलगैरे, वुलगैरी ज्वार, अभी मैंने कहा था ना बारले, बी ए आर एल ई वाई, या हिंदी में ज्वार बोलते हैं, ज्वार का साइंटिफिक नेम है सॉर्गुम वुलगैरे। इसी तरीके से हॉर्स ग्राम, घोड़ा जो चना खाता है, चने की कई सारी प्रजातियां आप यहाँ पे देखिए, सबके डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स हैं। तो हॉर्स ग्राम का है डोलाइकोस बायो बिफोइस, डोलिकोस बिफोइस। रेड ग्राम का है कोजोनस सीजान, कोजोनस सीजैन ऐसे प्रोनाउंस करोगे आप। ग्रीन ग्राम हरा चना, जिसकी सब्जी भी खाते हो आप लोग, निमोना बोलते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरे यहाँ भी बनती है, राजस्थान में भी बनती है। तो इसका साइंटिफिक नेम है फेजोलिस ऑइकस, फेजोलिस ऑइकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेसोस मुंगो,
तो प्लासोस मुंगो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम. नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, अब स्पाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. स्पाइसेस पूछे जाते हैं और ये पांच है, पांच के पांचों आपको रटे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. ज़्यादा हैं भी नहीं, सिर्फ फाइव हैं. मैं रिलेट करके आपको बता सकता हूँ, जैसे जिंजर का है जिंजीबर ऑफिशिनाले, तो जिंजीबर से आप रिलेट कर सकते हो जिंजर. गार्लिक का देखो आप एलियम सेटाइवम, तो एलियम सेटाइवम एलियम लहसुन, एलियम लहसुन ऐसे आप पढ़ लो, एलियम लहसुन. एलियम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्लिक. ब्लैक पेपर, तो इसमें भी पाइपर लगा हुआ देखो, पाइपर निग्रम, तो पाइपर निग्रम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक पेपर. इसी तरीके से क्लव, क्लव मीन्स होता है लॉन्ग. जिंजर मीन्स अदरक, गार्लिक मीन्स लहसुन, ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च, क्लव मीन्स लॉन्ग, टर्मरिक मीन्स हल्दी. तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. क्लव का साइंटिफिक नेम है सिजिगियम एरोमैटिकम, तो सिजिगियम एरोमैटिकम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्लोव या लॉन्ग का वैज्ञानिक नाम है. टर्मरिक या हल्दी का साइंटिफिक नेम है सरक्यूमा लॉन्गा, सरक्यूमा लॉन्गा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक. नेक्स्ट बात करेंगे अदर प्लांट्स एंड ट्रीज के बारे में. कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आप बनियन ट्री का आपको पता होना चाहिए, बैम्बू का आपको पता होना चाहिए, तुलसी का, सैंडलवुड का पूछा जाता है, और आपसे कॉटन का पूछ लिया जाता है. तो कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट हैं. उम्मीद करिए आप सारे पढ़ लेंगे. एक बार पढ़ के तो ज़रूर रखिएगा और याद करके रखिएगा, क्योंकि आप चांस नहीं ले सकते हो. आजकल जो पेपर का पैटर्न आ रहा है एसएससी सीजीएल का, तो मैथमेटिक्स प्रीलिम्स में ऐसी आ रही है कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर सकता है, वो आपको डिफरेंशिएट नहीं करता है. आप जहाँ पे डिफरेंशिएट होते हो वो है जीएस पोर्शन, क्योंकि बाकी सभी को लगभग हो जाता है. तो जीएस पोर्शन में आप एक बढ़त बना सकते हो, तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई करो. तो नीम का साइंटिफिक नेम है एजाड्रिकेटा इंडिका. इंडिका आपको इस जगह पे काफ़ी देखने को मिलेगा. इंडिका मीन्स नेटिव टू इंडिया, तो इंडिका मीन्स नेटिव टू इंडिया होता है. तो एजाड्रिकेटा एजाडिरेक्टा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम. इसी तरीके से बैनियन ट्रीज आपने पढ़ा होगा, फाइकस बेंगालेनिसिस, बंगाल में पाया जाता था उस टाइम, तो वहाँ पे उन्होंने नाम रख दिया था फिकस बेंगालेनिसिस. और टोबैको का आप देखिए निकोटीना टोबैकम, टोबैको में क्या पाया जाता है निकोटीन, तो निकोटीन से आप याद कर लीजिए निकोटीना टोबैकम. सो टोबैको का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, निकोटीना टोबैकम. बैम्बू का देखो आप बैम्बूजा एरिडिनेरियो फोलिया, एरिडिनेरी फोलिया, बैम्बूसा एरिडिनेरी फोलिया, ये साइंटिफिक नेम है बैम्बू का. ड्रमस्टिक आपने देखा होगा, इसकी सब्जी बनती है. ड्रमस्टिक का है मोरिंगा ओलिफेरा, तो मोरिंगा ओलिफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ड्रमस्टिक. इसी तरीके से तुलसी का अभी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है. ऑस्मिमम सैंक्टम, सैंक्टम का मतलब होता है पवित्र. सैंक्टम सैनिटोरियम आपने पढ़ा होगा, तो सैंक्टम मीन्स होता है पवित्र. तुलसी का पौधा पवित्र माना जाता है, घर में पाया जाता है, इसलिए ऑसिमम सैंक्टम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी. इसी तरीके से सैंडलवुड के बारे में जान लीजिए. सैंडलवुड का साइंटिफिक नेम है सेंटैलम एल्बम, तो सेंटैलम सेंथाल, सेंथाल से आप याद कर लीजिए सेंथाल साबुन, चंदन, नीम चंदन की खुशबू, सिंथॉल साबुन याद रखिए, उससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. तो सेंटैलम एल्बम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सैंडलवुड. इसी तरीके से कॉटन के बारे में हम लोग देख लेते हैं. गॉसिपियम हर्बेजियम, तो गॉसिपम गॉसिपियम, जैसे कि आप गॉसिप करते जाते हो बहुत ज़्यादा, तो कॉटन भी बहुत ज़्यादा ही चाहिए होती है. आप एक मतलब फालतू के लॉजिक है, बट आप किसी भी लॉजिक से अगर आपको चीज़ें याद हो रही हैं तो आप उनसे याद करके रखिए. तो गॉसिपियम हर्बेशियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन. मनी प्लांट या डेविल्स आईवी, मनी प्लांट घरों में आजकल शो पीस में लगाया जाता है, या घर में टेम्परेचर या ऑक्सीजन का स्तर बनाने के लिए लगाया जाता है मनी प्लांट. तो मनी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिप्रेमनम ऑरियम, तो एपिप्रेमनम ऑरियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मनी प्लांट. इसी तरीके से करी प्लांट या करी पत्ता जिसको बोलते हो, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मुर्राया कोएनिगी, तो मुर्राया कोएनिगी आप इस तरह से भी याद कर सकते हो. मुर्राया कोएनिगी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ करी प्लांट्स. और मिंट, पुदीना, मेंथॉल याद आया होगा, तो मेंथा आर्बेंसिस. कुछ चीज़ें आप रिलेट करके देख सकते हो, आपको उनके वेरियस नाम पता हो, आप आराम से रिलेट करके क्वेश्चन टिक करके आओगे. तो मिंट या पुदीना का जो शॉर्ट नेम है या जो साइंटिफिक नेम है वो है मेंथा एरबेंसिस. कोरिएंडर का कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंडर सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर कोरिएंड्रम आप देख सकते हो. हिना या मेहंदी जो हाथों में लगाती हैं लेडीज, उसका साइंटिफिक नेम है लॉजोनिया इनर्मिस, तो लॉजोनिया इनर्मिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हिना.
कुछ और भी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से काफ़ी आपको याद भी होंगे, कुछ नहीं याद होंगे तो आप उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए। जैसे पीकॉक का है पैवोक्रिस्टेटस, तो पैवोक्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। इसी तरीके से फॉक्स का होता है विल्पिस विल्पिस। आप देख रहे हो सेम नेम रिपीट हो रहा है विल्पिस विल्पिस, तो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्स। इसी तरीके से टाइगर का आप देखोगे पैंथेरा टिग्रिस, तो पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, टाइगर का टिग्रिस लगा हुआ है। हॉर्स का देखो आप इक्वस कैबेलस, तो कैबेलस या तबेला से आप रिलेट कर सकते हो, तबेले में कौन रहता है, घोड़ा, तो हॉर्स का होता है इक्वस कैबेलस। इसी तरीके से बफेलो का आप देखो, बफेलो का होता है बैबालूज बुबालीज, तो बैबालूज बुबालीज, ओए बबली बी माई बबली लव योर लवल पेप्सी करके एक जिंगल था लास्ट ईयर 2003 का वर्ल्ड कप, अगर आपको याद होगा उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्लैंग चलता था, तो वहाँ से आप इस चीज़ को रिलेट करके रखिए। बैबालूज बुबालीज इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो। थोड़ा सा फनी भी है, डॉग का आप देखिए ज़रूर आता है किसी ना किसी एग्जाम में, कैनिस ल्यूपस फेमिलैरिस, तो कैनाइन होता है इसलिए इसके नाम के आगे कैनिस लगा हुआ है, ल्यूपस फेमिलैरिस, ल्यूपस फेमिलैरिस मतलब फैमिलियर हो, फैमिली के साथ एज ए पार्ट ऑफ फैमिली रहता है। ये सब याद करने के तरीके हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद करने के तरीके हैं। ल्यूपस फेमिलैरिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग, कैनिस ल्यूपस फेमिलैरिस। इसी तरीके से कैट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था स्टार्टिंग में ही, तो इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस मतलब पालतू डोमेस्टिक, उससे रिलेट करके आप देखो रीसस मंकी और बॉर्डर, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है मकाका मुलाटा, पूछा नहीं जाता है बट पूछा जा सकता है। हिप्पोपोटामस का आप देख लीजिए, हिप्पोपोटामस एम्फीबायस, एम्फीबियन होता है, वन हु कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो उसका नाम है हिप्पोपोटामस और एम्फीबियस, ही इज एम्फीबियन। तो आप हिप्पोपोटामस का नाम हिप्पोपोटामस ही है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है। रिनोसोरस के नाम पे भी वही है, रिनोसोरस यूनिकॉर्निस, तो यूनिकॉर्न घोड़ा आपने पढ़ा होगा बचपन में, पढ़ा होगा यू फॉर यूनिकॉर्न, बट आज तक किसी को यूनिकॉर्न दिखा नहीं है। जाकिर खान का एक बहुत बढ़िया सा शो है उसके बारे में, अगर आपने देखा होगा आप रिलेट करके चीज़ें देख सकते हो। तो रिनोसोरस यूनिकॉर्निस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रिनोसोरस। और कश्मीरी स्टैग या हंगुल जिसको बोलते हैं, तो इनका साइंटिफिक नेम है देखो आप सर्वस कैनाडेंसिस हैंगलू, सो कैनाडेंसिस हैंगलू आप याद रखिएगा, सर्वस कैनेडेंसिस हैंगलू इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कश्मीर स्टैग और हंगुल। एलिफेंट का आप याद रखिएगा, एलिफेंट का रहता है एलिफस मैक्सिमस, बड़ा शरीर मैक्सिमाइज मैक्सिमम, तो उससे आप देख लीजिए कि एलिफेज मैक्सिमस, वैसे भी एलिफेज लगा हुआ है एलिफेंट में तो आप देख लोगे। चिंकारा गेजेल बेनेटी, चिंकारा हिरन जिसके केस में सलमान खान अभी भी मतलब समन पे जाते रहते हैं राजस्थान में कोर्ट में, तो उसका नाम है साइंटिफिक गेजेला बेनेटी। इसके साथ ही लॉयन का भी पूछा जाता है, लॉयन का होता है पैंथेरा लियो, तो लियो के बारे में आप देख लीजिए, अगर आप राशिफल से या थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते तो आपको पता होगा लियो का मतलब होता है सिंह, सिंह का मतलब शेर, तो वहाँ से ही पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा टिग्रिस का मतलब होता है टाइगर यहाँ पे आप देखिए, और पैंथेरा लियो मीन्स लॉयन। इसी तरीके से पिजन का आप देख लो कोलंबा लिविया, कोलंबा लिविया इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ पिजन। इसी तरीके से किंग कोबरा का बहुत बार पूछा गया है ओफाइफेगस हैना, तो हैना मोंटेना से आप याद कर लीजिए, हैना 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 मतलब नागिन मतलब किंग कोबरा। किसी को पर्सनल टारगेट करके नहीं बता रहा, बस याद करने के एक ट्रिक्स हैं, आप उस तरीके से भी देख सकते हो। तो ओफाइफेगस हैना और वाइल्ड एस या जंगली गधा इसको बोलते हैं इक्वस एफ्रिकेनस एसाइनस, इक्वस एफ्रिकेनस एसाइनस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइल्ड एस। कुछ और भी हैं लियोपर्ड और पैंथर के बारे में, तो पैंथेरा टार्डस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड और पैंथर। इसी तरीके से चीता के बारे में देखिए, टोटली डिफरेंट है एसाइनोनिक्स जुबैटस, एसाइनोनिक्स जुबैटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता। फ्रॉग का राना टिग्रीना आपको हमेशा जबान पे रहना चाहिए, राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। इसी तरीके से कैमल का कैमेलियस कैमेलिडाई, कैमिले कैमेलियस कैमेलिडे कैमिलिडाई या कैमिलिडे जैसे भी आप प्रोनाउंस करो स्पेलिंग यही है। चिंपैंजी का पूछा गया था पैन ट्रोग्लोडाइटिस, तो पैन ट्रोग्लोडाइटिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चिंपैंजी। इसके साथ ही एक मुझे याद आ रहा है, शायद पीछे कवर नहीं हुआ था, पी या हरी मटर उसका जो नाम होता है वो होता है पाइजम सेटाइवम, पी आई एस यू एम एस ए टी आई वी यू एम, तो पाइजम सेटाइवम पी आई एस यू एम पाइजम देन सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन पी या हरी मटर। तो क्रोकोडाइल पे वापस आ जाते हैं, क्रोकोडाइल का क्रोकोडाइलिया निलोटिकस,
तो क्रोकोडाइल से क्रोकोडिलिया ही लिया गया है, तो क्रोकोडिलिया निलोटिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रोकोडाइल। इसी तरीके से कैमेलियन या गिरगिटान, इसका नाम होता है कैमेली ऑन्टीडेटे, तो कैमेली ऑन्टीडेटे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैमेलियन, कैमेलियन से कैमेली लिया गया है। इसी तरीके से डियर या हिरन के बारे में देखिए आप, आर्टियोडैक्टिल सर्वाइडे, तो आर्टियोडैक्टिल सर्वाइडे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डियर। और रिवर डॉल्फिन या डॉल्फिन का देखिए आप, डेल्फिनेडाई डेल्फिस, तो डेल्फिनाई डेल्फिनिडाई डेल्फिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉल्फिन। दोनों में डी डी है, कॉमन है, डेल्फी और डॉल्फिन आप देख सकते हो, मिला के कर लोगे आप। जिराफ का साइंटिफिक नेम है जिराफा, कैमलोपार्डालिस जिराफा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जिराफ। इसी तरीके से जायंट पांडा, इसका साइंटिफिक नेम है एलोरोपोडा मेलानोल्यूका, एलोरोडोपोडा मेलानोल्यूका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जायंट पांडा। नेक्स्ट शायद इतना ही है, आई गेस यस इतने ही बचे हुए, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। गोट का सीपीओ 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिए, कैपरा हिरकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोट। इसी तरीके से घर में जो मक्खी पाई जाती है या हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं, उसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिकस मतलब रिलेटेड टू होम, घर में जो पाई जाती है, तो मुस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। इसी तरीके से हाइना के बारे में जान लीजिए, हाइनीडाई कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब कार्निवोरा से मतलब वो मांसाहारी है, सो हाइना का हाइनीडाई कार्निवोरा, हाइना हाई मैचिंग है। कंगारू के बारे में आप देख लीजिए, मैक्रोपस मैक्रोपोडिडाई, तो मैक्रोपस और कंगारू, मैक्रोपस आप देख लो एक ब्रॉडर सेंस में मार्सूमियम, इनके पास एक पॉली बैग होता है, मतलब इनके पास एक पॉकेट होती है जिसमें ये अपने बच्चे को लेके उड़ता है, उसको मरसूमियम बोलते हैं। तो मैक्रोपस मैक्रोपोडिडे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैंगरू या कंगारू। लिजर्ड या घर में जो छिपकली पाई जाती है, उसका साइंटिफिक नेम है सॉरिया लेसर्टीडाई, सो सॉरिया लेसर्टीडाई इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिजर्ड। इसी तरीके से माउस, घर में जो चूहा पाया जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है रोडेंशिया मुरिडाई। तो कुछ तो आपको याद होने चाहिए, जैसे माउस आपको याद होना ही चाहिए, रोडेंशिया मुरिडाई। इसी तरीके से पिग, पिग का साइंटिफिक नेम है आर्टियोडैक्टिला सुडाई, आर्टियोडैक्टिला सुडाई इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिग। इसी तरीके से पॉर्स्यूपाइन होता है एक एनिमल, उसका साइंटिफिक नेम है हिस्ट्रीकोमोर्फ हिस्ट्री सिडाई इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पॉर्क्यूपिन। इसी तरीके से रैबिट, रैबिट का होता है लियोपोरिडाई क्यूनिक्यूलास। काफ़ी फनी से नेम्स हैं, अगर आप इनके साथ इंजॉय करोगे ना, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं आना है, क्वेश्चन आना है, डेफिनेटली आना है, तैयार करके रखिए। आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपका मन करे। सो लियोपोरिडाई क्यूनिक्यूलास इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रैबिट। इसी तरीके से स्कॉर्पियन के बारे में बात कर लेते हैं या बिच्छू, तो आर्किनडिया स्कॉर्पियोनडिया, आप इंडिया से रिलेट कर लो, आर्किनिडा स्कॉर्पियोनिडा, तो निदा निदा देखो दोनों में, निदा फाजली क्या शायर थे, उनसे रिलेट करके आप देखो आर्किनिडा स्कॉर्पियो निदा। इस तरह से आप पढ़ के, मतलब तोड़ करके मरोड़ करके चीज़ों को आप पढ़ो, एक्सप्लेन करो, खुद को कन्विंस करो, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो स्कॉर्पियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है आर्किनिडा स्कॉर्पियोनिडा। इसी तरीके से सी हॉर्स, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, हिप्पोकैम्पस सिंगैंथिडेई इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी हॉर्स। तो स्क्वायरल के साइंटिफिक नेम क्या होता है, रोडेंशियस स्क्यूरस, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे माउस के बारे में, रोडेंशिया तो लगभग एक ही फैमिली के हैं स्क्वायरल और माउस, तो रोडेंशिया स्क्यूरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्क्वायरल। टाइगर का मैंने बताया था पैंथेरा टिग्रिस, ऊपर डिस्कस हो चुका है एक बार। और जीब्रा का आप देख लीजिए एक बार, जीब्रा का होता है इक्विडाए बुरशेली, तो इक्विडाए बुरशेली इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जीब्रा। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम्स डिस्कस कर डाले हैं, वो भी एक ही वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है आपको, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा होगा, तो आप ग्रुप के साथ साथ उस चैनल पे भी जुड़ जाइए, ताकि पुराने कुछ पीडीएफ्स होंगे, उन पीडीएफ का भी आपको लाभ मिल सके। सो गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक थम्सअप या लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि उनको भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज एडमिन जॉब्स फॉर श्योर ऑफिशियल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।